तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की आज पहली क्लास है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं रिकॉर्ड माइक्रो को, आखिर रिकॉर्ड माइक्रो का क्या यूज है, क्या बेनिफिट है। उससे पहले आप माइक्रो स्टार्ट करना चाहते हैं तो दो तीन चीजों पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए ताकि आप नेविगेट कर सके अपने वीवीए प्लेटफॉर्म को। अगर आपके पास सिस्टम में डेवलपर टैब डिफॉल्ट नहीं होता है, इसको एक्टिव करना पड़ता है, तो उसके लिए आप अपने फाइल मेनू बार के ऑप्शन पे जाएं और इसके अंदर आपको मिलेगा कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में यहाँ आप देख सकते हैं डेवलपर टैब, ये चेकबॉक्स में क्लिक है, चेक्ड है, इसका मतलब एनेबल है। अगर मैंने इसको अनचेक कर दिया है, इसको कहते हैं डिसेबल है। ये तो आपको 13, 16 और 19 पे होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2007 हो, दैट टाइम आप जनरल में यहीं पे इसको पा जाएंगे। पहले चीज हमने क्या है कि हमने अपना नेविगेशन ले लिया ताकि मैं नेविगेट कर सकूं वीवीए प्रोग्रामिंग को। दूसरी जो आती है वो आती है फाइल को सेव करना। एक चीज ध्यान रखिएगा सर, क्योंकि जब भी आप फाइल सेव करते हैं, आपका सेव एज टाइप, मतलब कि जो फाइल टाइप होता है वो होता है एक्सेल वर्कबुक, जिसका एक्सटेंशन होता है .xlsx। अगर आप इस एक्सटेंशन में अपनी माइक्रोज फाइल को सेव करते हैं तो आपकी माइक्रोज लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये फाइल माइक्रो डिसेबल फाइल होता है, किसी भी कंडीशन में माइक्रो को स्टोर नहीं करता है। सो आपको एवरी टाइम जो है चेंज करना होगा माइक्रो एनेबल वर्कबुक, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो माइक्रो को शुरू करने से पहले, चाहे शुरू करें चाहे रिकॉर्ड करें, शुरू करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप अपने माइक्रो फाइल को अनेबल कर दें। बट प्रॉब्लम इज दैट कभी कभी ऐसी हो सकती है कि आप भूल जाए। देखिए, आप मोस्टली माइक्रोज में ही काम करते हैं तो आप अपने एक्सेल की सेटिंग को उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ऑप्शन में सेव में यहां आपके सामने डिफॉल्ट फाइल सेव एज टाइप मिलता है। तो ये क्या है, ये चीज ये है कि जैसे कि आप फाइल को, हर फाइल को माइक्रो एनेबल वर्कबुक में ही डिफॉल्ट सिलेक्ट आएगा। आपको जरूरत है तो एक्सेल वर्कबुक या अनदर फाइल टाइप को सिलेक्ट कर ले, अदरवाइज रखने दे, क्योंकि माइक्रो एनेबल फाइल माइक्रो भी एक्सेप्ट करता है और डेटा, नॉर्मल डेटा भी एक्सेप्ट करता है, बस उसकी एक्सटेंशन चेंज हो जाती है .xlsm। तो दो चीजें हम कर लेते हैं। तीसरी चीज वो आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों चीज आपको वन टाइम ही करना है, ऐसा नहीं कि आपको हर दिन करना है, वन टाइम करना है। तीसरी होती है माइक्रो सिक्योरिटी। कल मैं डिस्कस कर रहा था कि बाय डिफॉल्ट यहां माइक्रो हमारा डिसेबल विथ नोटिफिकेशन होता है, जिसके कारण जब भी आप माइक्रो फाइल को ओपन करते हैं तो आपका माइक्रो फाइल ओपन होने के बाद माइक्रो परफॉर्म नहीं करता है और आपको एक सिक्योरिटी अलर्ट आता है अनेबल माइक्रो करने का। आप अनेबल माइक्रो करते हैं तो सिर्फ उस फाइल के लिए आपका माइक्रो अनेबल होता है। ये प्रॉब्लम आ सकती है, आप माइक्रो को यूज कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, इवेंट वगैरह चलाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसको अनेबल माइक्रो कर सकते हैं। लेकिन 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 एक सिक्योरिटी वार्निंग है, वो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, वैधानिक चेतावनी। अगर आप अनेबल माइक्रो करते हैं तो याद रखिएगा, आपको कोई अननोन पर्सन अगर एक्सेल फाइल भेज रहा है तो उसमें वायरस होने के चांसेस हो सकते हैं। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिसेबल इसीलिए कर रखा है ताकि आपका एमएस ऑफिस सिक्योर रहे। तो सबसे बड़ी बात आती है कि हाउ कैन आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा फाइल एक्सेल का है, कौन सा फाइल वीवीए का है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं, मैं एक बार डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, इसे डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो याद रखिएगा, जिस पे इस ए जो आपको आइकन दिख रहा है जिसमें इस तरह का एक सिंबल लगा हुआ है, वो क्या है हमारा, ये है हमारा माइक्रो अनेबल। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि डेटा भी हो सकता है और माइक्रो भी हो सकता है, बट कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ इसमें माइक्रो ही होगा, इसमें माइक्रो और डेटा दोनों हो सकता है, ठीक है। और ये जो ए टाइप करके आ रहा है, ए कॉमा करके आ रहा है, ए आपका सीएसवी फॉर्मेट है, ये तो सिर्फ सीएसवी फॉर्मेट ही होगा।
ये जो इस तरह का जो आता है एक डायरी टाइप का, नोटबुक टाइप का, इसको टैम्पलेट है, ये टैम्पलेट है, देखने से पता चलता है टैम्पलेट है। मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस डॉक्यूमेंट में आता हूँ, माय डॉक्यूमेंट में, और मैं यहाँ व्यू में स्मॉल आइकन है लार्ज। अब ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये आपका नॉर्मल एक्सेल फाइल, इस तरह का आइकन वाली फाइल आपको मिल रही है तो आप समझ जाइए कि आपका नॉर्मल एक्सेल फाइल मिला है। तो ये सिंपल सा है, ये आपका ए जो आइकन है इसमें इस तरह का एक्सप्रेशन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये माइक्रो अनेबल फाइल है। इसमें माइक्रो भी हो सकता है बट श्योरिटी नहीं है कि माइक्रो ही होगा। हम मैं हमेशा माइक्रो वाली फाइल में भी नॉर्मल डेटा सेव करूँ, इसमें माइक्रो होने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये एक्सेल 2007 से ऊपर का वर्जन हो, डॉट एक्सलेक्स हुआ, पुराना वर्जन हुआ तो माइक्रो और डेटा दोनों कैरी करता था। अब ध्यान रखिए, अगर आपके पास इस तरह के आइकन आते हैं तो समझ जाइए कि आपको किसी ने माइक्रोज ही भेजा है। इसको एड इन फाइल, इसमें डेटा कैरी नहीं होता है, सिर्फ माइक्रोज कैरी होते हैं। तो किसी अननोन पर्सन ने इसको भेजा और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको ओपन ना करें। ओके, पूछिए। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको सही से सुन नहीं पा रहा हूँ, लग रहा है आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है कि क्या है सर? आप दोबारा बोलेंगे सर? कहीं भी किस हर वर्जन पे, एवरी वर्जन पे दिखा, देखिए जो करेंट वर्जन पे ही सिर्फ है मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 2007 में डेवलपर टैब जनरल में मिलेगा, तो जो सिर्फ आपका करेंट वर्जन की टॉपिक से वो मैं आपको बता दूंगा, करेंट वर्जन सिर्फ करेंट वर्जन में मिलेगा। तो मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई आपको फाइल मेल करेगा तो आप एक बार इंश्योर कर लीजिएगा कि ये फाइल क्या है, नॉर्मल एक्सेल फाइल है या एक्सेल और वीवीए वाली फाइल है या सिर्फ वीवीए की फाइल है। क्योंकि आपने माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल कर दिया है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कोई वायरस आपके सिस्टम में ना आए। ठीक है, सॉरी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो सिक्योरिटी, आप जो है रेडी हो गए हैं, आपने फाइल को सेव कर लिया है माइक्रो एनेबल वर्कबुक में, आपने डेवलपर टैब ला दिया है और आपने सिक्योरिटी वार्निंग को भी अलर्ट कर दिया है। सो यू आर रेडी फॉर यूएस वीवीए प्रोग्रामिंग। तो अब यहाँ पे देखिए, विजुअल बेसिक है, माइक्रो ये चीज़ें दिख रहे हैं। जो विजुअल बेसिक पर क्लिक करेंगे तो अब एक नया जो खुल के आता है जिसमें कोड लिखते हैं, इसको बोलते हैं वीवीई, विजुअल बेसिक एडिटर। इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, हर वर्जन में इनबिल्ट होता है और सिर्फ एक्सेल में ही नहीं, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक सब पे होता है। इसका शॉर्टकट होता है Alt F11। Alt F11 जैसे ही प्रेस करेंगे, चाहे एमएस ऑफिस का कोई भी पैकेज हो, वो ऑटोमेटिकली आपका विजुअल बेसिक एडिटर खोल देगा। तो अभी विजुअल बेसिक एडिटर पे नहीं जाते, हम बात करेंगे आज रिकॉर्ड माइक्रो के ऊपर, हाउ कैन रिकॉर्ड योर माइक्रो। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो क्या है सिर्फ समझ जाइए, जैसे कि मुझे कोई स्टेप करना है उसको, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहता हूँ बट मेरा प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक हो उसके लिए, जैसे मैंने रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक किया एंड ओके किया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे कि नेम, सिटी, अमाउंट हमें टाइप कर दिया, स्टॉप कर दिया। आप देखेंगे इस माइक्रो को, जिसमें यहाँ पे एडिट करता हूँ माइक्रो में एडिट, तो ये देखिए हमारा कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो गया।
अब मुझे अगर मैनुअली कोड करना होगा तो हम भी कुछ इसी तरह से मॉड्यूल में जाके कोडिंग करेंगे। देखिए आपके सामने हम कर रहे हैं कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, A1 से मैं यहां पे V1 कर देता हूं, यहां C1 कर देता हूं और नेम के जगह पे रोल इन सिटी, सॉरी सिटी, और यहां पे मैं मार्क्स। अब ये हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, इसी चीज को रिकॉर्ड मैक्रो ने रिकॉर्ड कर दिया। आप बोलेंगे सर आपने प्रोग्राम किया तो मैं जस्ट 3 लाइन लिखा और यहां पे करीब 6-7 लाइन है, ऐसा क्यों? जब रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं तो ये ऑफिशियली लैंग्वेज को फॉलो करता है। ये भी आपका VBA ही है, देख रहे हैं रेंज V1.select, ये भी VBA प्रोग्रामिंग ही है। ऐसा भी मैं यहाँ ऐसा भी लिख सकता हूँ जो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि जब हम कोड करते हैं तो अपने हिसाब से जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसी को करते हैं, और जब प्रोग्राम जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज को हर एक छोटे से छोटे स्टेप को फॉलो करता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको अपने बॉस से लीव लेना हो तो आपको वर्बली बात करनी हो तो फ़ोन पे या फिर जाके सीधे बोलेंगे कि बॉस आज या कल मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे फलाना काम है। आप ये जाके तो नहीं बोलेंगे ना टू द मैनेजर फलाना ऑफिस सिटी बैंगलोर, सर आई रिक्वेस्टेड, क्या ऐसे तो नहीं जाके बोलोगे ना, सिंपली कैजुअली बात कर लोगे। लेकिन इसी चीज़ को आप अगर एप्लीकेशन में लिख के देंगे, अगर बॉस ने बोला कि गिव द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में आप एक लाइन तो लिखेंगे बॉस मैं कल नहीं आ रहा हूँ, एप्लीकेशन में तो आपको पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म प्रोफॉर्मा को पूरा करना पड़ेगा। अगर हिंदी में लिखोगे तो श्रीमान सेवा में महोदय, सेवा में श्रीमान फलाना महोदय, ब्रांच मैनेजर महोदय, हिंदी इंग्लिश जो भी हो। तो उसी तरह से जब ये रिकॉर्ड होता है तो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करता है, जब हम कोड करते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से कोड लिखते हैं। तो रिकॉर्ड माइक्रो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड माइक्रो और कोड माइक्रो नो डिफरेंस नहीं है। कोडिंग में हम अपने हिसाब से लिखते हैं जितना ज़रूरत है, और रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से पूरी ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जब रिकॉर्ड माइक्रो मुझे माइक्रो बना के दे रहा है तो प्रोग्रामिंग क्यों सीखें? जब मेरा काम खुद बखुद हो रहा है तो क्यों हम अपना टाइम और पैसा और एफर्ट वेस्ट करें? तो इसमें बात है कि आप रिकॉर्ड माइक्रो से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर लूपिंग, कंडीशन, कनेक्टिविटीज, ये चीज़ें नहीं होती है, रिपीटेशन वगैरह नहीं होती है, जो कि बहुत जरूरत है, इसके बगैर काम मुश्किल है। ठीक है, तो अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि फिर इसका यूज क्या होगा। तो इसको यूज, अगर आप लर्निंग पीरियड में है तो इसको यूज कर सकते हो एक डिक्शनरी की तरह, समझे? जी हाँ जी हाँ, जैसे कि मैंने कॉपी तो कर लिया बट फॉरगेट द पेस्ट स्पेशल। आपको आइडिया नहीं है कि पेस्ट स्पेशल का कोड क्या है, दैट टाइम यू हैव जस्ट राइट क्लिक एंड पेस्ट इस, या स्टार्ट योर रिकॉर्डिंग Start your recording and apply the paste special. Okay? And stop your micro. Go to the micros list and select your micros. Click on the edit and go to the code. This is the code of paste special. So इसको आप dictionary के तरह use कर सकते हो। कभी भी कोई फूल जाते हो कि फिल्टर कैसे अप्लाई होगा, पिवट टेबल कैसे लगेगा, तो
कोड भूल रहे हैं तो उस कोड का इस्तेमाल आप इसको डिक्शनरी की तरह यूज कर सकते हो, और ये बहुत लर्निंग पीरियड के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और मुझे श्योरिटी कि आप इसका यूज ज़रूर करेंगे। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं मान लीजिए कि मैं VBA माइक्रोप एक्सपर्ट हो गया तो मैं इसका यूज नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, मैं भी रिकॉर्डिंग माइक्रो यूज करता हूँ कोडिंग से बचने के लिए। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि हम रिकॉर्ड माइक्रो से कम कोडिंग करके हम अपना काम ले लेते हैं। तो आपके सामने हमने एक फाइल ओपन की है, ये डेटा है मेरे पास, इस डेटा को मैं नए शीट पे लेकर आता हूं। अभी मेरे पास डेटा है तो मुझे एक ऐसा माइक्रो बनाना है कि जो माइक्रो मुझसे मैं डेटा फिल्टर करूं, जैसे मैं डेटा फिल्टर करूं मुझसे पूछे नेम, मतलब कि मुझे क्या करना है कि हमारे जैसे हमारा हर पर्सन मुझसे फोन करके अपना डेटा लेता है। जैसे कविता ने फोन किया और बोला कि पूछा कि कविता ने पूछा कि सुजीत ने मेरा डेटा दे दो, तो मैं क्या करता हूँ कविता का डेटा फिल्टर लगाता हूँ, कॉपी करके नई फाइल में डाल के और सेव करके उसको मेल कर देता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि जस्ट मैं माइक्रो रन करूँ, पर्सन का नेम डालूँ, ऑटोमेटिकली मेरा डेटा कॉपी होके न्यू फाइल में पेस्ट होके सेव हो जाए, समझे? तो सबसे पहले आपको VBA प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम समझना होता है। तो प्रॉब्लम समझना है, क्या है प्रॉब्लम? हमें एक ऐसा माइक्रो चाहिए रन करते समय मुझसे नाम पूछे, मैं नाम डालूं और उस नाम की डेटा को कॉपी करके एक अलग फाइल में किसी एक लोकेशन में सेव कर दे ताकि मैं मेल कर सकूं या मेल करने का भी कोई कोड लिख सकूं। चलिए अब इसको मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल करके कर रहा हूं। तो याद रखिएगा रिकॉर्डिंग माइक्रो जब यूज करते हैं तो किसी भी तरह के फालतू जो मूवमेंट है माउस का जो नेसेसरी नहीं है उसको नहीं करना है, जो भी आप करेंगे सारा कोड हो जाएगा। इसलिए हमने इसको कर्सर यहाँ हमने रिकॉर्ड माइक्रो किया और हमने यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो भी क्लिक कर देता हूँ, कर्सर को यहाँ पे रखा और हमने इस पे फिल्टर लगाया। फिल्टर में मैं नेम पे आया और मैं इंदर को सिलेक्ट किया। अब मैं माउस से डेटा सिलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि माउस से डेटा सिलेक्ट करोगे तो माउस की सिलेक्शन आ जाएगी, एक फिक्स सिलेक्शन आ जाएगी, ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं आया क्योंकि डेट में डेटा इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो फिर वो सिलेक्शन डेटा के हिसाब से नहीं होगा, एड्रेस के हिसाब से होगा। तो इस केस में मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो का इस्तेमाल करूँगा, राइट एरो एंड डाउन एरो, तो डेटा के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। और जब कभी भी फिल्टर की सिलेक्शन आप करेंगे तो डायरेक्ट कॉपी नहीं करेंगे, आप कंट्रोल जी में स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे विजुअल सेल्स ओनली, ताकि आप इंश्योर रहे कि फिल्टर की पीछे की डेटा कॉपी नहीं हो रही है। हम इसको कॉपी किए। अब मैं यहाँ मेरे पास ऑलरेडी दो शीट है बट मैं इन शीट का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इस शीट का इस्तेमाल किया तो क्या होगा कि मुझे हमेशा माइक्रो रन करने से पहले इस शीट को रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक नई शीट ऐड की और उसमें पेस्ट की ताकि नई शीट ऐड करने के कोड आ जाए। फिर सीट को मैं करता हूँ रिनेम, इसका नाम देता हूँ इंदर, इंदर, और फिर इस सीट को करता हूँ मैं मूव और एक नई बुक में, और इस फाइल को मैं एक लोकेशन में जाता हूँ, मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे लेना है और इसको सेव कर देता हूँ, इसका नाम देता हूँ इंदर और हमने सेव कर दिया और इस फाइल को क्लोज किया। अपने सीट वन पे आए और हमने इसको अनफिल्टर कर दिया। अब मैं स्टॉप करता हूँ, मेरा माइक्रो रिकॉर्ड हो चुका है बट मैं इस रिकॉर्ड की गई माइक्रो का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इस माइक्रो में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। चलिए एक एक करके प्रॉब्लम हम यहाँ करते हैं। सबसे पहले कट को भी मोड इक्वल टू फॉल्स है, एक गलत यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम दो दो फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, दो फिल्टर की जरूरत नहीं है, एक फिल्टर चाहिए क्योंकि एक फिल्टर अप्लाई करते भी दूसरा फिल्टर अप्लाई करते क्या होता है फिल्टर डिसअप्लाई हो जाता है ना,
यहाँ पे आपने फिल्टर लगाया, एक बार आपने फिल्टर लगा दिया तो फिल्टर आ गया, जब दोबारा इसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे तो फिल्टर हट जाता है, इसलिए मुझे सिर्फ एक फिल्टर रखना है जो कि ये है फिल्टर। इस वाले फिल्टर को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद बिल्कुल सही है, अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन है तो मैं इस स्क्रॉल डाउन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बाकी सब ठीक है, बाकी ठीक है। हाँ, अब यहाँ सीट फोर नहीं होना चाहिए क्योंकि सीट फोर हमेशा ऐड थोड़ी होगा, जब सीट आप ऐड करते हैं तो उसका नाम सीट वन, सीट टू, सीट थ्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सीट ऐड होती है वही एक्टिव सीट होता है, जैसे यहाँ पे इसने एक्टिव सीट डॉट पेस्ट किया हुआ है। अब इस एक्टिव सीट को कोड कर देता हूँ, जहाँ जहाँ सीट फोर है वहाँ वहाँ मैं एक्टिव सीट डाल देता हूँ। ए मूव ए आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं और यहां भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। आप यहां पे एक्टिव सी डॉट मूव हो गई और ये जो आपका डेस्कटॉप का डायरेक्टली हटा दीजिए, ये आपका फाइल सेव हो गया, एक्टिव विंडो क्लोज सी टू वन एंड सिलेक्शन डॉट। अब मेरा माइक्रो परफेक्टली रन करेगा, लेकिन ये सिर्फ आपका इंदर का ही माइक्रो देगा। तो हमने इतना सारा कोड करने से मैं बच गया, हमने कुछ लाइंस को डिलीट किया, कुछ लाइन को मॉडिफाई किया। मेरा माइक्रो रेडी है बट मेरा माइक्रो डायनेमिक नहीं है, तो उसके लिए मुझे यहाँ एक बोले कुछ पूछना है सर। आज जो मैंने सिलेक्शन किया था ना, हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और राइट एरो प्रेस किया था ना, उसका कोड है। नहीं 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 पेज एंड नेट एरो की होता है ना, एरो की कर्सर को मूव करने के लिए यूज करते हैं ना, एरो की है। अब यहां पे मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं, जैसे कि मुझे नेम चाहिए तो n इक्वल टू मैंने दे दिया इनपुट बॉक्स और हमने यहाँ पे दे दिया एंटर नेम। ये पीक एन क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में आप एक्स वाई जेड लेते हैं ना, ऐसे मैंने एन ले लिया। तो इनपुट बॉक्स क्या करेगा, एक पॉपअप देगा नाम एंटर करने का, इसने पॉपअप दिया आ गया यहाँ पे। अब जहाँ जहाँ एन है निंदर है वहाँ वहाँ मैं नेम कर देता हूँ, एन कर देता हूँ जस्ट। बट यहाँ पे मैं एन नहीं लिख सकता वरना एन नाम का फाइल बन जाए, क्योंकि ए है इन्वर्टेड कॉमा, दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसको रखें एन परसेंट और यहाँ पे हम एन देंगे और फिर वापस एन परसेंट और फिर इन्वर्टेड कॉमा कैरी करें। अब मेरा माइक्रो परफेक्टली वर्क करेगा, बस मैं यहाँ रन करूँ। मैं डेवलपर में गया, माइक्रोज में, माइक्रोज फाइव को हमने यहाँ माइक्रोज फाइव है ना हमारा, नहीं फोर है सर, फोर एक मिनट, हम किसी दूसरे शीट पे आ गए क्या, बुक ट्वेल्व है ना, हमें बुक ट्वेल्व पे जाना। माइक्रोज हमने इसको रन किया, मुझसे नाम पूछा, मैं इस पर नाम डाल दिया टी टू एंड आप देखें टी टू नाम का एक फाइल यहां बना दिया, इसके अंदर टी टू का ही डेटा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ कोड ऐड की, कुछ की और कोड डिलीट की। तो लर्निंग पीरियड में ये आपको सबसे अच्छा फीचर्स है, ठीक है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें कि आप मेनू बार के जितने भी ऑप्शंस है सब की कोड की डायरी बनाना शुरू करें, ठीक है सर। जैसे कि आप ए, आप क्या करें, रिकॉर्ड मैक्रो करें, हमने रिकॉर्ड मैक्रो किया और हम देखेंगे सीट वन पे जाने का कोड क्या है, हम देखेंगे कि भाई यहाँ क्लिक करने का कोड क्या है,
कॉपी करने का कोड क्या है, और उस कोड को आप इसको जो है विंडो को ले लें और इसकी कोड देखें, देख रहे हैं, सिलेक्ट सीट वन पे जाने हैं कोड ए है, किसी सेल पे को क्लिक करना है कोड ए है, कॉपी करने का कोड ए है, ठीक है सर। आप दोनों को जो है इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, किसी फाइल पे जाने का कोड ए है। तो आप क्या करें कि अभी बैठ के ऐसी 15-20 कोड जो है बनाए, ओके, ठीक है, इसको कीजिए। फिर मैं कल मैं आपको टाइप ऑफ माइक्रोज एंड ये बताऊंगा, कोड कंसेप्ट कि आखिर कोड है क्या, कोड कैसे समझेंगे उसके बारे में।